अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास डिटरमिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस शेप है। तो आज हम जिस शेप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने जा रहे हैं वो है डिस्क। और वो जो आप डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे किस एक्सिस पे, वो एक्सिस परपेंडिकुलर होगा डिस्क की प्लेन के और उस डिस्क के सेंटर से पास कर रहा होगा। तो ये हमारा जनाब आज का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क देखने वाले हैं। आपको फिग में एक डिस्क दिखाई दे रही है जिसके सेंटर से एक एक्सिस रोटेट कर रहा है और आप ये एक्सिस देख सकते हो कि इस डिस्क की प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक होगी बात। अब आपने देखा कि इस डिस्क का जो मैस है, टोटल मैस कैपिटल एम, इस डिस्क का जो रेडियस है आर है और ये डिस्क यूनिफॉर्म डेंसिटी पे है। तो अब मैं इस डिस्क के ऊपर एक रिंग बनाता हूं। उस रिंग की जो चौड़ाई है डेट इज डी एक्स और उसका रेडियस है एक्स। तो यही चीज मैंने लिख दी। अब अगर मैं पहले सिर्फ इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम जानते हैं कि डी आई बराबर होता है डी एम एक्स स्क्वायर के। अब जनाब ये जो रिंग है इसका मैस कितना होगा? तो इसके लिए मैं एक टूल इस्तेमाल करता हूं कि भाई आपने क्या करना है कि ये जो डीएम है इस यानी रिंग का मैस ओवर टोटल एरिया ऑफ द रिंग, जो रेशियो आएगी वो रेशियो वही होगी जो टोटल मैस ऑफ द डिस्क डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द डिस्क होगी। यानी कि दो चीजों का तनासुब आपस में इक्विवेलेंट होगा क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी है कि रिंग के एरिया में जितना मैस एलिमेंट आएगा पूरी डिस्क के एरिया में भी उतना मैस का रेशियो आएगी आपके पास। तो यहां से डीएम निकाला जा सकता है, एरिया ऑफ द रिंग दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब रिंग अगर आप देखो तो सर्कमफेरेंस इसका 2 पाई एक्स बनेगा और इसकी चौड़ाई कितनी बनेगी डीएक्स। तो आपने लंबाई जरब चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ हो गई 2 पाई एक्स, चौड़ाई कितनी हो गई डीएक्स हो गई और नीचे आ गया एरिया ऑफ द डिस्क। एरिया आपके पास पाई आर स्क्वायर के तौर पर आ जाएगा, सर्कुलर है और एम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू डीएम की आ गई। क्या डीएम की वैल्यू यहाँ पे लगाई जा सकती है? तो वो नीचे वैल्यू मैंने प्लेस कर दी, पाई पाई से कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर मैंने तरतीब दे के लिख दिया। एक्स आपके पास 3 हो गए तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे डिस्क का निकाल सकते हो क्योंकि रिंग का तो निकल आया। अब आपने सिर्फ क्या करना है कि जो आपने लिमिट्स लेनी है 0 से आर तक लेनी है। मतलब मैं ये समझ रहा हूं कि पूरी डिस्क के छोटे छोटे रिंग बना लिए और सबसे छोटा रिंग 0 से शुरू होकर कहां तक उसका रेडियस जाएगा, आर तक जाएगा। तो मैंने ये जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का निकाला था उस पर लिमिट्स दे दी 0 से आर तक, यानी सारे रिंग्स को इकट्ठा करो तो दोबारा डिस्क बन जाएगी ऐसे ही। तो जनाबे वाला क्या 2 कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट, तो आपका इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा। एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, आगे डेरिवेटिव मौजूद है, पावर बढ़ेगी, उसी पावर से डिवाइड करेंगे। अब आपके पास लिमिट्स लग जाएंगी तो आर की पावर 4/4 माइनस 0 आ जाएगा। आर स्क्वायर है, आर 4 है तो आर 2 बचेगा, 2 से कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो ये आ गया 1/2 एम आर स्क्वायर, जो कि अब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क है। तो जनाब इस तरीके से हमने डिस्क के लिए फार्मूला निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो याद रखिएगा 1/2 एम आर स्क्वायर, एम क्या है टोटल मैस ऑफ द डिस्क, आर क्या है रेडियस ऑफ द डिस्क। अब ये रेडियस जाहिर सी बात है एक्सिस चूंकि मैंने सेंटर पे लिया है तो सेंटर से लेकर एंड तक का जो एज तक का डिस्टेंस है उसे मैंने आर का नाम दिया है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इस पर कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।